लड्डू सबको पसंद आते हैं और बूंदी के लड्डू उनको बनाना बहुत ही आसान है। लेकिन अगर बूंदी के लड्डू आपके हाथ के बने हों तो उसका स्वाद कुछ अलग ही होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं स्मिता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ऑथेंटिक आहार में। बूंदी लड्डुओं को बनाना बहुत ही आसान है और इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही कम होते हैं जो आपको किचन में ही मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैंने इस कप से 1.5 कप बेसन ले लिया है नापकर और यहाँ पर अब मैं इसी कप से पानी डालूंगी और धीरे धीरे आपको इसे मिलाना है। आप एक साथ पानी ना डालें नहीं तो गुठलियाँ बन जाएंगी। मैंने यहाँ 1 कप पानी डाल दिया था और इसे अच्छी तरह से इसी स्टेज पर मिला लेंगे तो गुठली नहीं बनेंगे। और अब धीरे धीरे हम पानी डालेंगे। आपके बैटर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए जैसे कि एक एक बूंद गिर रही हो। इसी बूंद से ही बूंदी का नाम आया है। अब यहाँ पर मैं फूड कलर ऐड कर रही हूँ। आप अगर ना चाहते हो तो यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर लिया है। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हमारा बैटर बन के तैयार है। आप घर पे कोई भी सामान हो जैसे ये छल्ला हो गया या फिर सेव के बनाने का मशीन हो गया, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं बूंदी बनाने के लिए। तो आपकी बूंदी ज़्यादा बड़ी नहीं बनेगी, मीडियम साइज़ की बनेगी। मैंने यहाँ पर एक स्ट्रेनर का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसका होल और थोड़ा छोटा करना चाहें तो आप 2 एल्यूमिनियम फॉइल ले लें, उसके ऊपर स्ट्रेनर को रख दें और एल्यूमिनियम फॉइल को इसके ऊपर ऐसे चढ़ा दें। देखिए जैसे मैं चढ़ा रही हूँ, अगर आप 2 एल्यूमिनियम फॉइल लेंगे तो वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। आप देखिए ये तैयार है। तो अब हम एक पिन ले लेंगे या फिर आप सेफ्टी पिन ले लीजिए और इसमें छोटे छोटे होल्स बना लीजिए। जितने बड़े आपको बूंदी चाहिए उसी हिसाब से आप होल बना लीजिए। अगर आपको यहाँ पे मोतीचूर का लड्डू बनाना है तो जो आप होल्स बनाएंगे वो थोड़े डिस्टेंस पे बनाएं, लेकिन मैं नॉर्मल बूंदी बना रही हूँ तो मैंने जैसा होल था उसी के हिसाब से ले लिया है। आपको कढ़ाई लेनी है और कढ़ाई से ऊंचा कोई डब्बा हो या बर्तन ले लेना है और उसके ऊपर टॉवल ले लेना है ताकि जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे करेंगे तो सारी बूंदियाँ डायरेक्ट कढ़ाई में गिरें। और एक स्ट्रेनर ले लेंगे जिसमें कि हम बूंदी को छान के रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल सके। देखिए यहाँ पर मैं तेल गर्म कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तेल को मीडियम फ्लेम पर गर्म करके तैयार करूँगी। आप देख लेते हैं कि गर्म हुई है कि नहीं। देखिए बूंदी ऊपर आ रही है। अब मैं आपको एक बार दिखाती हूँ कैसे सेव मशीन से आप बूंदी बना सकते हैं। देखिए बैटर डाल दें और हाथ को थोड़ा झटकते हुए ऐसे आप बूंदी बना सकते हैं। अब देखिए बूंदी तैयार हो गई है। बूंदी को तलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, आपको मीडियम फ्लेम पर ही सारी बूंदियों को तलना है। मैंने बैटर में सोडा का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि मैंने उसे 4 से 5 मिनट अच्छी तरह फेंट लिया था, इसलिए यहाँ पर बूंदी फूली हुई आ रही है और बहुत ही क्रिस्प बन रही है। अब देखिए मैंने स्ट्रेनर में बैटर को डाल दिया है और स्ट्रेनर को ऐसे ही पीटते हुए आप बूंदियों को बना लें। आपके पास अगर छलनी हो तो आप छलनी पर भी ऐसे एल्युमिनियम का फॉइल डालकर आप उसके होल का साइज़ बड़ा या छोटा कर सकते हैं, आपको जैसे बूंदी चाहिए। अगर आपको बूंदी बड़ी वाली चाहिए तो होल थोड़ा बड़ा कर लें और अगर आपको छोटी साइज़ की बूंदी चाहिए तो आप होल थोड़ा छोटा रखें। अब ये बूंदी तैयार है तो मैं इसे तेल से निकाल रही हूँ। ऐसे ही हमें सारी बूंदियों को बना के तैयार कर लेना है। हम पहले बूंदी के लड्डू बनाने के लिए बूंदी तैयार कर लेंगे, उसके बाद ही हम चाशनी बनाएंगे। और ये देखिए हमारी सारी बूंदी तलकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ सारी बूंदी कैसे बनी है। देखिए पूरे मीडियम साइज़ की बूंदी बनके तैयार हुई है, ये बहुत ही क्रिस्प बनी है। अब चलिए लड्डू बनाने की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पर एक पैन में 1 टेबलस्पून 4 मगज ले लिया है और इसे मैं अब ड्राई रोस्ट करूँगी। इसे ड्राई रोस्ट करने में 1 से 2 मिनट लगता है। अब इसे कच्चा ना डालें नहीं तो ये अच्छे नहीं लगते हैं। अब देखिए ये तैयार हो चुके हैं तो मैं निकाल रही हूँ। इसी कढ़ाई में मैंने 1.5 कप चीनी ले लिया है और मैं 1.5 कप ही पानी ले लूँगी। बूंदी के लड्डुओं का नाप बहुत ही सिंपल है। 1.5 कप अगर आप बेसन ले रहे हैं तो 1.5 कप चीनी ले लीजिए और 1.5 कप पानी, तो ये प्रोपोर्शन आप याद रखें। अब देखिए मैंने पानी डाल दिया है, यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और अब हम चीनी को अच्छी तरह से पानी में मिला लेंगे।
अब मैं यहाँ पे 5 से 6 इलायची के दानों को ले लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे कूट कर भी डाल सकते हैं, मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर ऐड कर रही हूँ, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। आपको चाशनी को ज़्यादा नहीं पकाना है, जैसे ही चीनी मिल जाए आपको 3 से 4 मिनट इसे पकाना है। जैसे ही ये थोड़ा सा चिपचिपा होने लगे, आपको यहाँ पर तार नहीं चाहिए, उसी टाइम पे आप गैस का फ्लेम मीडियम कर दें और बूंदी को ऐड कर दें। देखिए कुछ इस तरह से, याद रखें आपको यहाँ पर तार नहीं चाहिए चाशनी में, बस थोड़ा सा चिपचिपाहट चाहिए। अब हमें गैस का फ्लेम हाई कर लेना है और बूंदियों को चाशनी में चलाते रहना है जब तक कि चाशनी इसके अंदर तक ना चली जाए। देखिए यहाँ पर और चाशनी नहीं दिख रही है, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और यहाँ पर मैं 4 मगज डालने के बाद इसे ढककर 15 मिनट ऐसे ही छोड़ दूंगी। 15 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन हटा के देख लेते हैं। देखिए हमारी बूंदी बनके तैयार हो चुकी है। यहाँ पर मैं 1 से 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ घी, ताकि घी की खुशबू और उसका स्वाद बूंदी में आ सके, क्योंकि मैंने बूंदी को तेल में तला था। तो इसे एक बार मिला लेंगे और फिर से इसे ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन निकाल के दिखाती हूँ। अब बूंदी भी थोड़ी सी ठंडी हो चुकी है, आपको इसे पूरा ठंडा नहीं करना है, जितना गरम आप हाथ में ले सकें उतने ही गरम उसे रखना है। और अब मैं एक चम्मच की मदद से पोर्शंस निकाल रही हूँ, ऐसा करेंगे तो आपके सारे लड्डू एक साइज़ के ही बनेंगे। और दोनों हाथों के बीच दबाते हुए आपको लड्डू को बना लेना है। देखिए बन के तैयार है, और एक पोर्शन लेके मैं आपको दोबारा से दिखाती हूँ। दोनों हाथों की मदद से आपको दबाते हुए इसे बना लेना है, अगर आप एक हाथ से बनाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। देखिए हमारे लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं, मैंने इसे थोड़ा पिस्ता से गार्निश किया है। इतने बेसन में हमारे लगभग 20 लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। एक को मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। ये लगभग 10 से 15 दिन फ्रिज में भी रखेंगे तो ऐसे ही रहेंगे। तो इस दिवाली को और भी हैप्पी बनाने के लिए अपने घर पर बनाएं ये बूंदी के लड्डू और मुझे बताएं कि कैसे बने। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग और नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।